दोस्तों अब हम लोग आई लव हिमाचल पार्क के पास पहुंच गए हैं। लेकिन जो आई लव हिमाचल पार्क है ये बहुत ही सुंदर पार्क है और आप देख रहे हैं कि ये कर्व्ड रोड के साथ में बना हुआ है। इसके एक तरफ आप हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप खाई को देख सकते हैं और सामने आप बारिश का मौसम भी देख ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने धर्मपुर को क्रॉस किया और थोड़ी देर बाद जैसे ही हमने धर्मपुर को क्रॉस किया हम लोग रुक गए खाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पर हाइट की तरफ बढ़ते जा रहे थे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप लोग चंडीगढ़ या पंचकुला से शिमला की तरफ जा रहे हैं तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात कर ले आप चंडीगढ़ से शिमला के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों ये डिस्टेंस पड़ता है 113 किलोमीटर। दोस्तों जैसा कि हमने अंदाज़ा लगा ही लिया था सोलन तक आते आते हमें दूर से ही बादलों के दीदार होने शुरू हो ही गए थे। और जैसे ही हमने सोलन सिटी को क्रॉस किया हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, क्योंकि दोस्तों जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो हमने दोस्तों इन बिटवीन रुक के लंच करने का फैसला लिया और जब तक हमने लंच किया बारिश भी बंद हो गई थी। और अगर बात करें शिमला आप किस तरह पहुंच सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप शिमला बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन तीनों के मीडियम से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाय एयर का। अगर आप बाय एयर भी आते हैं शिमला तो भी दोस्तों आपको 15.5 किलोमीटर अप्रॉक्स 16 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको फिर से बाय रोड ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एयर स्ट्रिप है वो दूसरी तरफ बनी हुई है मेन शिमला सिटी से 15-16 किलोमीटर दूर पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हैं तो दोस्तों आपने सुना होगा टॉय ट्रेन के बारे में। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, कालका शिमला रेलवे जो कि टॉय ट्रेन के नाम से भी जानी जाती है। और दोस्तों अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है। और दोस्तों इसको अगर बात करें, इसको 12 मई 2018 को इस लिस्ट में यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बात करें इसके थोड़े से इतिहास के बारे में तो 1898 से 1903 के बीच दोस्तों कालका से लेकर शिमला की जो रेलवे लाइन है ये बनाई गई थी और 1903 में इसे ऑपरेशनल कर दिया गया था ट्रैक को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस ट्रैक के ऊपर 19 रेलवे स्टेशन हैं और इसकी जो लेंथ है यानी कि कालका से लेकर शिमला तक की जो लेंथ है वो लगभग आपको 97 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अब बात कर लेते हैं अगर आप इस ट्रेन से जाते हैं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। आपको 5 घंटे 52 मिनट के आसपास यानी कि आप मान सकते हैं 6 घंटे का टाइम आपको अप्रोक्स यहां तक लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट ऑप्शन यानी कि अगर आप बाय रोड जाते हैं, आप इस बाय रोड अगर जा रहे हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं और बाइक से भी जा सकते हैं। अगर आप लोग बस से जाते हैं तो दोस्तों लगभग आपको चंडीगढ़ से लेके शिमला तक 300 रुपये के आसपास
किराया पड़ जाएगा। अब आपकी गाड़ी लेके जा सकते हैं आप। तो दोस्तों क्योंकि हम गाड़ी से नहीं, हम बाइक से जा रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं गाड़ी या बाइक से अगर जाते हैं तो टाइम की अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास आपको लग जाता है। डिपेंड करता है आप लोग कंटिन्यू ड्राइव या राइड कर रहे हैं या रुकते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोस्तों मौसम को ही इंजॉय करने निकले थे। तो दोस्तों हमारा जो ट्रैवल टाइम था वो 5-6 घंटे से ज़्यादा का था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोल की। अगर आप लोग बाइक से जा रहे हैं तो आपको किसी तरह का टोल नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपको 3 टोल यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए देने पड़ेंगे। सबसे पहले टोल की बात करें दोस्तों, जैसे ही आप लोग पंचकुला से निकलते हैं तो हिमालयन क्वीन एक्सप्रेसवे के नाम से आपको पहला टोल मिलेगा, वहाँ पे आपको पहला टोल चुकाना होगा। दूसरा टोल दोस्तों हिमाचल में जब हम लोग एंट्री करते हैं जहाँ से, तो वहाँ पे आपको ग्रीन टैक्स भी बोल सकते हैं आप, उस हिमाचल में एंट्री का टैक्स आपको देना पड़ता है। और तीसरा जो टोल है दोस्तों, जैसे आप लोग धर्मपुर सिटी में एंटर करते हैं उससे पहले आपको तीसरा टोल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों लास्ट में पहाड़ों के घुमावदार रोड पर चलते हुए फाइनली हमें अपनी मंजिल दिखाई देनी शुरू हो ही गई। और जैसे ही हमने शिमला में अपनी एंट्री ली, हमारा स्वागत हुआ 3 से 4 किलोमीटर लंबे जाम से। क्योंकि हम लोग बाइक पर थे तो दोस्तों हमने बीच से निकलते हुए फाइनली शिमला शहर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा ही ली। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम की, तो वो है दोस्तों रूम लेना। क्योंकि जब आप वीकेंड पर वहाँ जाते हैं या सीज़न के टाइम वहाँ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें रूम के लिए ही होती है, जो कि दोस्तों हमें भी वहाँ पर देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑफ सीज़न वहाँ पर जाते हैं तो आपको जो रूम 1,000-1,200 रुपये में अवेलेबल हो जाता है, उसी रूम के लिए हमें 2,500 रुपये चुकाने पड़े, क्योंकि भीड़ उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद दोस्तों हमने पुराने बस स्टैंड के साथ वाली गली, यानी कि उसके साथ जो मार्केट बनी हुई है ऊपर की तरफ, उससे होते हुए मार्केट से निकलते हुए हम लोग निकल पड़े माल रोड के लिए। अब दोस्तों माल रोड पर जाते टाइम हमें रास्ते में एक चर्च दिखाई दी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम की थी, और दोस्तों ये चर्च बंद थी इसलिए हमें इस चर्च के दीदार बाहर से ही करने पड़े। लेकिन हमने यहाँ पे आसपास इस चर्च के साथ में काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली। आप भी जब भी शिमला आए तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी चर्च बनी हुई है। और एट लास्ट हम लोग माल रोड पर पहुंच ही गए। यहाँ पर अगर बात करें देखने की तो लगभग आपको सभी ब्रांड्स के शोरूम आपको मिल जाएंगे। दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। अब हम लोग सेकंड पार्ट में
पूरे माल रोड को और जो जाखूजी मंदिर है वहाँ पर चलेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।